किसी जगह पर जाता है, किसी जगह पर हो, तो उसकी शनाख्त की तरफ जरूर जाएगी, ये कहाँ से है, किधर से है, किसकी औलाद है, किसका बाप, किस बाप का बेटा है, किससे ताल्लुक है, एकदम ख्याल उधर जाएगा। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सलातो व सलाम आपके दरबार पाक से हमें क्या नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता आपकी वजह से हमें क्या नहीं मिलता, लिखा के ले जाओ कि कब्रा या रोजे नशर, उस वक्त भी आप लोगों के सामने होगा कि आज इन हालात में जिसमें इस वक्त इंसानियत या मुस्लिम उम्मा गिरफ्तार है, ये आपके दरबार से मिला हुआ है, वगैरह मदद मिलती, शुक्रा गुजरिया, पत्थर बरसते, आग बरसती, जमीन को पलट दिया जाता, आपकी वजह से बचे हुए। मेरा हाल देखे, अपने हाल देखे, क्या भैया किस कैफियत में है, देखिए नमाज रोजा हज ये फर्ज है, ये फराइज हैं, जो जो जिस जिस अंदाज से है, जिस जिस कैफियत में है, जो साहब इस्तेमाल है, अर्तबात देते हैं, ये आप कोई एहसान नहीं करते, ये हमें करना ही करना है, लेकिन इससे हासिल क्या होता है, या हमें किस अंदाज में रखते हैं, ये इबादत जो नवाफल रखती इबादत है, जिसकी मैंने बात की कि किसी जगह सब कुछ ये कर रहा हो तो फिर ये सही ना हो, ये ठीक ना हो, ये सही ना हो, तो फिर हमें अपने आप पे मातम करना चाहिए, क्योंकि फिर बात हुई कि मदाक में मौजूद है, खाना का वह पाक से लिपटा हुआ है, लेकिन इधर दुनिया ही दुनिया है, इधर वो नहीं है कि जहन में ये नहीं है कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, और रब को राजी करने के लिए सवाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबा के और कोई रास्ता, बिल्कुल कोई रास्ता नहीं। हम बहुत सारी अपने मामला खराब करते हैं, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सलातो सलाम आप फरमाते हैं कि गुस्सा आपका फरमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि हदीस मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों से पूछा तो किसके किसके बारे में फरमाते हैं, क्या समझते हो कि बड़ा ताकतवर है, बहुत ज्यादा मजबूत है, असाबे कराम ने दुआ अल्लाह तआला अलैहिम अजमाईन ने दरबार रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज की, एक चीज तो खुदा के लिए अपनाने की कोशिश करें ना, बेशुमार है, मैंने पहले कहा बालिग होने के से लेकर कब्र तक में जाने तक कोई एक लम्हा ऐसा नहीं है कि कोई मुसलमान ये कह सके इस लम्हे के लिए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मुझे रहनुमाई नहीं दी, मेरी तरबियत नहीं फरमाई, मुझे नहीं बताया कि किस जगह पर क्या रिएक्शन होना देना, किस अंदाज से तो एक्शन तो होना है, एक्शन किस चीज को कहते हैं, कौन सा होना है कि शैतान ने आपको बरगलाना है, आपको गिराना है, आप पे हमला करना है, रिएक्शन पे सारी बात है, बताइए पर बताना ये है कि क्या तुम्हारा उस वक्त क्या रिएक्शन था, तुमने उस वक्त क्या रिएक्ट किया, किस अंदाज को अपनाया, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पाक से जो रोशनी मिलती है उसे अपनाया, या उस वक्त वो जो शैतान, क्योंकि ये सारा माहौल वही पैदा करता है झगड़े का, फसाद का, अच्छा जुम्मे भी आज बात कर सका कर चुका, मैं आगे चलना चाहता हूँ कि हमें किन चीजों की जरूरत है, किस चीज को हमें समझना चाहिए और ये हमारी भलाई के लिए, ये हमारी बेहतरी के लिए, इस पे इत्मीनान है, इस पे सुकून है, इस पे अजाब कब्र से बंदा बचेगा, इस पे रोज़े महशर अल्लाह राजी होगा,
लेकिन उसके लिए आपको अपने नफ्स के वारों से बचना होगा और उनसे बचने के लिए दरबार रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक को ऐसा जोड़ना होगा कि आप हर वक्त आपकी निगाह उधर हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया कि मेरा दिल तो ये करता है कि ये जो आप रसूलुल्लाह का फरमान मुबारक है क्योंकि हर खराबी की जड़ ये कि हम जहां भी हम अगर अपने आका रसूलुल्लाह के इस फरमान मुबारक को सामने रखें ना तो किसी भी मकाम पर ना झगड़े हो ना फितने हो ना फसाद हो ना खानदान में ना मोहल्ले में किसी भी मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल करीम शाह शाह कोलालम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हां दी असीं मोहब्बत दे बड़े नारे लाउंदे आ बड़े दावे करदे आ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके आगे जब ये आस की गई आपने जब ये फरमान मुबारक जारी फरमाया कि तुम किसे समझते हो जो बड़ा ताकतवर है बहुत ज्यादा मजबूत है तो सबक नाम रिदवान ने हम मैं थोड़े जो बोधिया सारे की खड़ा करा ना तो क्योंकि हर वक्त टेप चलती रहती है यार ठीक हो जाओ यार नफ्स को मारो यार उसके हो जाओ आप में से बहुत सारे सुना देंगे लेकिन सुना है इधरों सुने हैं इधर आया ये अभी बाहर निकल के देखे एक बंदा किसी की मर्जी के खिलाफ बात करे फिर उसका हाल देखे एक बंदा थोड़ी सी किसी को कोई बात काट दे फिर उसका हाल देखे एक बंदा किसी हाल में किसी कुछ करने की कोशिश देखे फिर उसका हाल देखे नहीं हमारा हाल एक ही हाल है जो अल्लाह को पसंद है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके आगे जब सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम ने आपने जब फरमाया तो उन्होंने अर्ज की कि हम उसे समझते हैं कि ये बड़ा ताकतवर है बड़ा मजबूत है कि जो किसी को पछाड़ दे किसी को पर गालिब आ जाए लोग इसी के बारे में कहते हैं दुनिया का ये कायदा है कि ये बड़ा जरा जरा चाहते देखो किसी जगह बहस किसी जगह किसी मुकाम पर किसी से तो होते कैसा फुटिया होंगे हमने कैसा लाजवाब किया आज मैं की किया आज मैंने कैसा उसके ऊपर गालिब आ गया यही है यही हदीस मुबारक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पाक से जो आला तरीन हमारी तरबियत होती है वो यही है जो हमारी भलाई के लिए बेहतरी के लिए सुकून के लिए इत्मीनान कल्ब के लिए अल्लाह की रजा के लिए जब कहा गालिब आ जाने वाला करते हो या नहीं करते दुनिया तो यही कहा जा रहा है कि कभी किसी भी जगह किसी की कल पछाड़ देता है कर देता होता है शैतान उसकी फरमाना है कल भी इसे भी कैफियत ही चाहिए नहीं ये हमारे दीन की तालीमात नहीं है ये हमारे आका अलैहिस्सलाम के दरबार पाक की रोशनी नहीं है हमारा दीन बड़ा खूबसूरत दीन है सलामती का दीन आला दीन इसमें मैंने पिछले जुमे का अर्ज भी की थी कि आप अलैहिस्सलाम ने इन अजाओं से बचने वाले के लिए जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम की खुशखबरी दी है लेकिन क्या हम बचते हैं हम जो दुनिया में दावेदार हैं क्या हमने उस रास्ते को अपना रखा है ये हमारी भलाई के लिए है भलाई के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने उस वक्त फरमाया कि नहीं तुम जो समझते हो ताकतवर वो ताकतवर नहीं है ताकतवर वो है जिसे अपने ऊपर कंट्रोल इजहार ना करें आगे हाँ मेरे नजदीक कोई ताकतवर है ये ईमान की ताकत की बात हर हवाले से क्योंकि ईमान के साथ ये सारे सिलसिले अंदर उसके साथ ये आपने फरमाया
Ya merenin takı, boyu merenin hakkınızın takı falan. Boyu kuhtan, imar var. Boyu mezbute. Usi şatan neyi bir asıkta. Ve çabuk yasa mamla ay, uski nigah. Dervari Risale de vahap sallallahu aleyhi ve sellem sakın bir tarafı var. Or bu kere jo ben geldim, jo ben sıkıldım, jo ben sıkıldım, jo rohkin, mere kadar bağır bağır sebebi. İs havale se, अगर आप इस चीज को देखना भी चाहें, जानना भी चाहें, कभी भी किसी को पुलिस पकड़ के लेके जा रहे हो, ज्यादा था, उससे पूछे कि क्या हुआ भी, तो वो कहता है कि मैं चुप रहा, मैं गुस्से में था, मैंने इसे माफी दी, आज तक गोली भी मार देती है, गुस्से में पागल गोली मार दी मैंने गुस्से में था उसको गाली दी झगड़ा हो गया उसकी वजह से लेके जा रहे हैं पर्चा हो गया इस पर्चे को तो डरते होना सारे हरियाणा तब निकलता पर्चा हो गया एशिया हो गया लेकिन कैसे हम मुसलमान हैं कि हम उस पर्चे की तरफ निगाह नहीं रखते जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दिया कि इस पर्चे को मजबूती से थाम के रखना जो आप अलैहिस्सलाम के अहकामातों पर कुरान से भरा हुआ है कल तुम्हारी जब पेशी होगी तो तुम्हारे ऊपर कर्म ही कर्म होगा एहसान ही एहसान होगा इनाम इनाम होगा असि यहाँ दर्शनी पहलवान हम हैं दावे करते इसीलिए तो ये आदमी कहते हैं किधर चले गए क्या हाल है अल्लाह रहम करे आजकल बहुत दुआ किया करे पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान के लिए आलम इस्लाम के लिए इंसानियत के लिए बहुत अजीब और गरीब व्यक्ति आप में जाने वाले अल्लाह रहम कर दे वो बचा दे वो अपने अभी मेरे सलातो सलाम के सदके कर दो मैं जब बात कर रहा था कि अगर उससे पूछो तो मुझे यही है कि गुस्सा आ गया लेकिन वो नहीं कर सका आज ही है दाफ़े चले जो मेरे देश का मुकद्दर है हमें ज्यादा जो छोटे हैं दूसरे भगा लेकिन ज्यादातर उधर क्या होता है उधर भी सारी सारी दिहाड़ी रुल रहे हैं वजह की है ज्यादातर से पूछे तो कहेगा गुस्सा आ गया कंट्रोल नहीं कर पाया आज ये दुर्घटना जेल में चले जाए ज्यादातर लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि जो इस एक फरमान मुबारक पे ना अमल करने की वजह से ये गुस्सा जो तबाही है जो हराम है जो हमारे लिए जायज ही नहीं है उसको और फिर हमारे में बहुत सारे ऐसे नहीं है होते वो बहुत खतरनाक है तो ये कहता है बात सारी नफ्स की होती है तो ये कहता है कि दीन की खातिर सारे का सारा पूरे का पूरा अपनी शख्सियत के ऊपर अपने उसके ऊपर क्योंकि दीन का गुस्सा तो खुद तो इस्लाह की तरफ लेके जाता वो तो उस तरफ लेके जाता है कि भलाई भलाई हो आपने सलातो सलाम की तौबा में तो आपने सलातो सलाम नबी का मकाम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ से वो नाम आप खुद मौजूद है तो फिर सबको पता है कि आप रहते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब इरादा फरमाते हैं ना वादे के बाद वापस आते हैं तो आपसे आप सब वो अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप अल्लाह के रसूल क्या हम हमारा दीन हक है उसी बात क्या है अल्हम्दुलिल्लाह हम पर हमारा दीन हक है
hadis kırıklığı Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Ya Allah'a Resulü ne? Aleyhisselatü Yüce ne Allah'a Resulü? Bu din sual gelmek var. Ben az kırıklığı Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a Resulü ne? Onlara din hakkı. Ham. Hakkı. Firavun fırmanı Himayede kis çiz ke liye kya dikhata hai iske baare mein is baare ke baare mein kai maqamat par kai sahaba ikram farmate hain ke fata makka to wo hai ye to kaam pe hamne fata ho gayi hum jeet gaye the hame hasil ho gaya tha ye main nahi keh raha tha aadmi se mubarak hai hai ke aap ne zatu salam to shuru pe ja rahe is shaan ke saath to shuru pe ja rahe hamare hain ram bol parwaar ye hai ke इससे कसर करानी अलग कराने के बाद बता क्या रहे हो गया तुम्हारा सब कुछ क्योंकि आप इस शान वाले हैं अगर आप उस वक्त फरमाते ना आगे तो कोई रोक सकता ही रोकने के वाली किसी की ताकत ही नहीं थी आप अगर उधर फरमाते ना बैतुल्ला शरीफ उधर आपके वैसे सलाम के पास लेकिन आपने अपने गुलामों की तरबियत फरमाई जिसके असरात सब नजर आते हैं हम अलमाई कराम से ये सुनते भी हैं हमें ये पता भी होता है लेकिन हम ये हमारे लिए तरबियत है रहनुमाई है रोशनी है कि हमें आगे किस अंदाज से पढ़ना है किस मकाम पर हमारा एक्शन के मुकाबले में रिएक्शन कैसा होना चाहिए तो मैं बात कर रहा हूँ अगर दुनिया में देखें ना आप जेल में चले जाएं उधर भी यही होता है इधर मेरे पास यूरो के सामने दुनिया भी इधर उधर हो रही होती है कोई रास्ता बताए कोई ऐसा रास्ता किसी ऐसे तरीके से कि मैं बस गुस्से में था वो कह दिए बच्ची मैं भी गुस्से में था मैंने कहा अब लड़ रहे थे मैं कहा मुझे तलाक दे दो ठक 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 बाद क्यों दे बाद पछताने ये क्या कर लिया हमने पीछे क्या है गुस्सा जेल में पीछे गुस्सा थाने में पीछे गुस्सा अदालतों में पीछे गुस्सा अक्सरियत इसी वजह से मुख्तलिफ मकाम पर क्यों नहीं हम अपने आका रज़ियल्लाहु सलाम के दरबार पर के साथ अपना ताल्लुक ऐसा जोड़ते इस कैफियत में जाते ये मेरी भी जरूरत उतनी है जितने आप सब बैठे हो उतनी जरूरत है कि हम इस पे जरा कंट्रोल करके तो देखें कितने सारे रास्ते हमारे लिए खुल जाएंगे जब आप सलाम ने फरमाया कि जो इस पे कंट्रोल करेगा आप सलाम ने मेरे नजदीक ताकतवर है पहलवान है जो आपका पहलवान वो शैतान उसके आगे आ सकेगा बाकी किसी जगह उसे गुमराह कर सकेगा आपका मामला हो खान का मामला हो जुबान का आपने फरमाया वो ताकतवर है कौन जो इस बदतरीन शहर से बचे कि जिसने अगर ऊपर भी देखे ना जमीन के ऊपर भी अब सलातो सलाम के आगे जब अर्ज की गई है एक दो बंदे लड़े एक मारा गया एक बच गया और दोनों ने जन्नत का रास्ता दिया दोनों रोजा के वक्त हैरान हो गए देखी जो मर गया वो तो मारो मारा गया बेचारा ये दूसरा मामला में अगर उसे मोहलत मिलती तो काम करता ये गुस्सा दे रहा ये हमें जरूरत इस जिस चीज की है और ये जो महंगाई का निजाम है जैसे तरबियत होती है जो रोशनी मिलती है ये एक बेहतरीन इंसान बनाने की तरबियत होती है और तरबियत के साथ ही सब कुछ तरबियत के साथ आज हम मान ले एक एक बंदा मान ले कि मैंने अपने आका अलैहिस्सलाम के खूबसूरत तरबियत की ना पांच थे आबू अलैहिस्सलाम के साथ चार थे आगाज हुआ किधर पहुंची बात कैसे नूर चमका इस
İslam kan. Çünkü bu de cesem ne buna tayyida. Ama bu ne hiye cesem ne buna tayyida. Absalallahu tebani mesela mı? Hakkı da var bak ne? Sehve de vahşi verdi ya ben kusi atnana çaydı. Kese aradı. Kese mamladı. Kısta. Absalallahu tebani mesela mı? Kusura kalimat kınanı ke bak. Müslüman kese ki? Kis Allah se ki? Aap onu kapro. Kur'an-ı Sahib kafiyet ve azim peki. Mertep ettik. Ben sen mertep ettik. Yardım. Sebbe de sahabe kenar ve muhanallah ta'ala aleyhi ve cümleyin. Ey bulut kapıya da. Bu da hap kereyim de. Hap ve karın kapıya. Kudemiyat. Kafiyet ya o beytiyordu. Bu ev kudur bu muhakkak Birader gayet bir hata. Bu da cephani şarkı kalan sahabe kiramı doğumda etap edildi. Bu kuş mu oluyor? Absalatı da aslında ev anıya sarılır. Barikat ederler. Lela çarptı ona barikat. Fakat çarptı ona barikat olacak. Çünkü barikat ve bana değil de daha bana. Abi, ne tarif? Abi, kâh kuşum. Bu, sırf Fatih'e sallatma sınav ve sallat darlık. Aapke saat mazbut rishte aapke rezaat us salam ke saath wo rishta ke bas maine ya wahi karna hai jo mere aapka rezaat us salam ne mere liye bas maine wo nahi karna jis tarah mujhe shaitan leke ja second ye laga barkat mili aap rezaat us salam ke aage jab arz ki gayi wo tha sabne pani nikala hai kaam ke liye ya wuzu kiya thoda tha kuch aap rezaat us salam piyada mı? Abi mesela o zaman ben us piyade ve sefani leke kulli mübarek karke vahmas ki ya buraya daha doğa Allah'ın ispulu mesela bir pani kutlu. Abi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hakikati var. Ver. Daha da uçak ya. Bir daha sallallahu aleyhi ve sellem. Uyuyorsa bana mübarek. Beşiktaş olur mu? Bir sap kuş mühtar ha. मिलता है और मिलता रहे अब रसूल को सलाम ने क्यों फरमाया आपका फरमान मुबारक करना किस किस ने यह हदीस मुबारक सुनी हुई है कि आप रसूल को सलाम फरमाते हैं कि मेरे रब के नजदीक उसका वो बंदा बहुत पसंदीदा है जो सिला नबी की तरह करता है ये रसूलिया अब चुको सच्चा सिला रहे आप ने सलाम तो सलाम रुमाते हैं मेरे रब के नजदीक वो बंदा उसको बड़ा ही पसंदीदा है कि जो सिला रह सकता है रहम तो वो हमारे ऊपर करने वाला है हम रहम कर उस पर तो कुछ नहीं रहम किस पे किया जाता है रहम किया जाता है मखलूक खुदा पर मखलूक खुदा पर इंसान उसका सबसे पहला खुदा है क्योंकि मुआशर को मखलूक बात है उसके साथ साथ सारी मखलूक अफसोस इस तरह आपने ये नहीं सुना कौन सा दिन होता है जब इतना में ये बात ना होती हमारे आका ने सलात व सलाम फरमाते एक प्यासे कुत्ते Yeah.